जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब और माता रानी की हम सभी पर कृपा बनी रहे, इसके लिए नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया उसमें जय माता दी एक बार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें जिससे माता रानी की हम सभी पर कृपा बनी रहे। तो जैसा आप जानते हैं कि बिल पत्र चढ़ाते समय यदि आप उस पर एक नाम लिख देते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा फलदायी हो जाता है। और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, जैसा आप जानते हैं सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाने का भी प्रथा होती है। तो कांवड़ चढ़ाने के लिए जो सर्वोत्तम मान्यता है जिनकी, तो वो वैद्यनाथ की है और बटेश्वर की है। वैद्यनाथ में तो भगवान परशुराम ने स्वयं कांवड़ चढ़ाई थी और बटेश्वर का तो आप जानते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पुरानी मान्यता है कांवड़ चढ़ाने की, और बाकी अब तो सभी जगह लोग चढ़ाने लगे हैं। तो इस समय जब कांवड़ चढ़ रही होती हैं तो इस समय यदि आप भगवान शिवलिंग के ऊपर यदि आप बिलपत्र चढ़ाते तो उसका भी कई गुणा फल आपको मिलता है। और यदि भगवान शिवलिंग के ऊपर यदि आप बिलपत्र पर अपने इष्ट का नाम लिख के चढ़ाते हैं, मान लीजिए आप विष्णु जी के भक्त हैं तो विष्णु जी का नाम लिखें, यदि आप कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण का नाम लिखें, राम के भक्त तो राम जी का नाम लिखें, आप जिस भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका यदि आप नाम लिख के और बिलपत्र को जो चिकनी सतह होती है जो खुरदरी वाली ऊपर रखें, चिकनी सतह जहाँ आपने नाम लिखा है उसको शिवलिंग के ऊपर रखें, माने जो आपने लिखा हुआ है वो शिवलिंग से टच में बना रहे, तो इससे आपको कई गुणा फल मिलता है। आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं, शिव जी की कृपा अति शीघ्र आपको मिलती है। यदि आप जिस मन्नत के लिए आप वो आप जिस मन्नत के लिए कार्य कर रहे हैं वो मन्नत पूरी होने में विलम्ब नहीं होता है। तो यदि अगली बार आप जब भी बिलपत्र चढ़ाएं तो उस बिलपत्र पर आप अपने इष्ट का नाम जरूर लिखें। आप उसके लिए चाहें तो चंदन यूज़ कर सकते हैं, अष्टगंध की स्याही यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास सरलता से उपलब्ध हो आप उससे बिलपत्र के ऊपर अपने इष्ट का नाम लिख के इस सावन के महीने में जरूर चढ़ाएँ और आप खुद देखेंगे इसका फल। तो दोस्तों आज वीडियो बस इतना ही रखते हैं, कुछ और रोचक जानकारियों के संग अगले वीडियोस में मिलेंगे। तो तब तक माता रानी की हम पर कृपा बनी रहे, इसके लिए जय माता दी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें जिससे माता रानी की कृपा हम पर बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।